हाय गाइस, दिस इज अस्माजीम। होप यू आर डूइंग गुड। और हम दोबारा से आपको वेलकम कर रहे हैं। सो टुडे इज कोरोना वायरस दोबारा से एक्टिव हो गया है। हम बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशंस दी गई हैं कि आप एहतियात कीजिए। और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम घर पर ही थोड़ा सा हैलोवीन का हल्ला गुल्ला मना ले। तो हम बनाएंगे सबसे पहले बता दो पहले क्या बना रहे हैं। और हेलोपैनो पॉपर्स मास्टर्स। तो चले बनाते हैं। आप जब तक सब्सक्राइब कीजिए, हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चुड़ैल की उंगलियां यानी विच फिंगर्स। और उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 कप हमने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, यहाँ पे 1/2 कप हमने लिया है बटर, 1 एग लिया है, हमने फ्यू आमंड्स लिए हैं और हमने 2-3 टेबलस्पून जो है स्ट्रॉबेरी जैम ली है। और हमने वो 1/4 कप जो लिया है वो लिया है हमने पाउडर्ड शुगर, 1 टीस्पून हमारे पास वनीला एसेंस है, 1/2 टीस्पून हमारे पास बेकिंग सोडा है और 1 पिंच हमारे पास सॉल्ट है। तो चले सबसे पहले हम बनाते हैं विद फिंगर्स। सबसे पहले हम लेंगे बटर, ओके, और हम लेंगे पाउडर शुगर, पाउडर शुगर लेंगे और अब हम इसको करेंगे mix it up. वेनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे हम, हमने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और अब हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। मिक्स इट अप। अब हम मिक्स करेंगे अपना एग, और हम इसे अब हम डालेंगे इसमें फ्लावर और इसे फोल्ड करेंगे अच्छे से। Just use a little bit of flour right now. हमारा डो रेडी है, अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम इसे जो है रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब हमारा डो जो है वो अच्छा खासा जो है वो हार्ड हो गया है। अब हम इसे फ्रीजर से निकाल चुके हैं रेफ्रिजरेटर से और अब हम इसका बनाएंगे विच इज फिंगर्स। Yes, and here is what's the jam or the color? Oh, it exactly looks like a human finger. Oh my god,
Guys, dude, look this. Guys, I have a question for you guys. Do this look like an actual witch's finger? Or am I down below? Oh my. You know what that is? What? The inside of your... The dirty witch finger. This is our first witch's finger. इसी तरीके से हम तमाम fingers बना देंगे. Don't feel sad. Don't feel scared of us. Yeah, this is not... These are not real. Yeah, this is not real. These nails are not real. They are the sticky almonds. Yeah, for real. Two. And then... This is a nice one. Two. Three. That makes six. Happy Halloween. Make this over here. I like cookies. Who likes cookies? Raise your hand. Here's the jam. This looks like a dirty, bloody nail. Don't talk about that. Don't make this a don't make the our fans scared. तमाम अपने witch nails बना लेंगे. अब हम इसे रखने जा रहे हैं अवन में और 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं कि क्या शक्ल इख्तियार करते हैं. हमारे विच फिंगर्स हमने निकाल लिए हैं. कैसे मोटे मोटे से खतरनाक किस्म की हमारी जो फिंगर्स हैं. अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और डर्टी कर देते हैं ना, थोड़ा सा गंदे गंदे से बना देते हैं. ये हमने लगा दिया है इस पर कोका पाउडर. गंदे गंदे हाथ. It looks like the witch touched dirt. It's optional. आप इस पर जो है वो रसबेरी का जो है जैम भी लगा सकते हैं. वो ब्लडी ब्लडी किसा हो जाएगा. बट वी डोंट लाइक टू मच स्मोकी और ब्लडी. सो अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं. Yes. I think someone knocked on the door, but off camera someone knocked on the door. Yeah. Can we put it with jam? Mm-hmm. Jam is optional if you want to dump it. Maybe. Make it more dirty. So हम अब क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं हेलिपेनो पॉपर मॉन्स्टर्स. हमें चाहिए हेलिपेनोस, पफ पेस्ट्री शीट, मस्टर्ड पाउडर, इट्स ऑप्शनल, गुगली आईज, चीज क्रीम, चेडर चीज एंड साल्ट एंड पेपर. तो चलिए बनाते हैं अपने मॉन्स्टर्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हेलिपेनोस को ये कट करेंगे और उसको हम बीच में से कट कर देंगे. क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखे होते हैं और आप इसे हैंडल नहीं कर सकेंगे. खास तौर पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. Yeah, we're gonna eat this. Yeah. इसको हम इस तरीके से peel out निकाल देंगे. So, अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे चीज क्रीम खोलते cream हैं cheese. क्रीम चीज ले रहे हैं हम और ओपन थोड़ा सा
स्मूथी। ऐसे ये रूम टेम्परेचर पे था, पिंच ऑफ सॉल्ट, वैसे ऑलरेडी सॉल्ट होता है ना, लेकिन हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, सॉफ्ट इट्स यूजेबल एंड चेडर चीज। और अब हम इसको मिक्स करते हैं मजे से। They look like carrots. I don't know why. They look like carrots. You can get this cheese from Giant in America. Got some right here. And here it is. You guys smell that? That's so good. Yes. You're gonna put now. Hey, Mama. Tea. I have one question. I'm gonna put this inside. अब हम अपने उसी तरीके से हम अपने तमाम जो सबको फिल करेंगे। Smell बहुत मजे की है, क्रीम चीज़। If you make this, you know what we're talking about. So ये हमारा पफ पेस्ट्री है। अब हम इसको जो है स्टेप्स में काटेंगे इस तरीके से। जितनी हमारे पास हमारी स्टेप्स रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने जो हमारे ये रैप, अब हम इसे रैप करेंगे। Like a burrito. Burrito. Look. Wow. Maybe get your kid to put the googly eyes. No. अब हमने तमाम को जो है फोल्ड कर लिया है अपने पफ पेस्ट्री के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्री ओवन हीट कर दिया है, प्री हीट ओवन कर दिया है हमने 250 पर, और इसे हम 15 मिनट तक, या तब तक जब तक हमारी पफ पेस्ट्री और हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो चले अब इसे हम रखते हैं अपने बेकिंग ट्रे में। यहाँ पे प्लेसमेंट पेपर इसको जो स्टिक कर दिया है, और थोड़े थोड़े फासले से इसको हम रखेंगे। And we put parchment paper because it will not stick. Yeah. Use parchment. Yeah. If you want to make these loops, first fry parchment paper so they don't have it. Use the mustard from the mummy hot dogs to put in the side to make that the parchment paper stick to the tray. But if you want, you could put something else. Yeah, stick it. But don't use glue. Don't use glue. It never gets off. Look. Yeah. They are ready. But now हम इसे रखने जा रहे हैं अपने oven में 15 minutes के लिए, जब तक ये तैयार नहीं हो जाता। So guys, ये हमने निकाल लिया है अपने It looks so oven से, and now हम googly eyes लगा रहे हैं। हरी पहले मैं लगाती हूँ, ये देखो उसकी तो अंदर ही चली गई। ओके, चले अब आप लोग लगा।
अब हम क्या बना रहे हैं हरी? मम्मी हॉट डॉग। मम्मी हॉट डॉग्स। मम्मी हॉट डॉग्स के लिए हमारे पास है पफ पेस्ट्री शीट, हमारे पास हॉट डॉग्स हैं, ये आपको किसी भी जो देसी ग्रोसरी स्टोर है वहाँ लाल मिल जाएंगे। हमारे पास मस्टर्ड है और उसके साथ हमारे पास ये गुगली आईज हैं। ठीक है, तो चले बनाते हैं अपने, क्या बनाएंगे हम हरी? मम्मी हॉट डॉग। या मम्मी हॉट डॉग्स। तो चले बनाते हैं अपने मम्मी हॉट डॉग्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे। ओके, इट्स ओके। सो अब हम लेंगे अपना हॉट डॉग और हम इसको करते जाएंगे मम्मी से। Below, if you're dressing up like a mummy, Like a mummy, and put this down. Next year, we're gonna make some other stuff. Yeah, next Halloween. And other things, like remember the time in like 4th of July, we made the puff pastry. Yeah. I hope you guys ate it. I think we need more puff pastry. I don't know. I think that's enough. And we're done. We're done. Okay. अब हम इसे रखेंगे अपने ओवन में जो हमने 300 डिग्री पर गरम करके रखा है, प्री हीट किया हुआ है। तो चलिए डालते हैं इसे अपने ओवन में। सबसे पहले हम अपना ट्रे लेंगे and parchment paper. Don't make them close together because maybe they're gonna stick together. They are ready to go. One. हमारे hot dogs ready हो गए हैं. Look at these delicious hot dogs. जबरदस्त smell आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी. अब हम यहाँ पे भी लगाएंगे इसके साथ इसकी गुगली आईज। सबसे पहले हम अपना निकाल रहे हैं मस्टर्ड, मैंने यहाँ साइड पे निकाल रही हूँ ताकि हमें स्टिक करने में इजी हो। So, ओके, फाइनली हमारे स्नैक तैयार है, हमारा हेलो पेपर
मॉन्स्टर्स भी रेडी हैं, हमारे जो है ये क्या है हॉट डॉग मम्मीज, हॉट डॉग मम्मीज भी रेडी हैं, और हमारे जो है विच फिंगर्स भी रेडी हैं। तो चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। बट व्हाट वी डू, एक्सेप्ट द विच। यस चलिए। हाँ कैसा है अभी? और रुदाई तो भाई आप लोग, हम तो यहाँ पार्टी स्नैक्स कर रहे हैं, एंजॉय। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो एंजॉय योर ट्रीट्स, एंजॉय योर हैलोवीन पार्टी स्नैक। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। बाय बाय बाय, गुड नाइट।